Namaste everyone! A heartfelt welcome to all of you joining you today. I am Nupur Kulkarni. I extend my warm greeting to those tuning into Evidya Channel Number Seven. And today our focus is on the subject that might seem daunting but is incredibly fascinating. Yes, Class Seven Mathematics, and especially the topic is. Uh, Perimeter and area, and to make this learning experience more enriching, we are joined by Dr. Tapsa Verma. Yes, Assistant Professor, S.C.E.R.T. A very warm welcome, ma'am. Thank you so much. तो आज इस विषय पर बात करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना है जो आपके साथ साझा करना चाहेंगे वी आर प्राउड दैट इंडिया एज्यूम जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अ नेशन इज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलिटरलिज्म एंड येस इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी वुड बॉटर शेड मूवमेंट इन अर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग प्रेगमेटिक ग्लोबल सोल्यूशंस फॉर द वेलबिंग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनिफेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ सुधैव कुटुम्बकम और द वर्ल्ड इज वन फैमली तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया पार्ट फोर और तमाम जानकारी आपके साथ हम इस विषय से जुड़ी हुई साझा करेंगे एंड डीय व्यूअर्स इफ़ यू हैव एन इक्वायरी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट योर टॉपिक दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया यू कैन मेल अस यू कैन मेल योर क्वेरी एंड यू कैन सी आर मेल आई डी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन सो नाउ आई स्टार्ट दिस सेशन और आज हम बात कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको कहा पैरिमीटर एंड एरिया के पार्ट फोर के बारे में इससे पहले भी मैम हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और हमने बात की है कि किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और आज जो हम बताने वाले हैं जो आप हमें बताने वाली हैं वो है एरिया ऑफ सर्कल तो आज हम इस बारे में बात करेंगे जी बिल्कुल और आगे बढ़ने से पहले एक बार यदि हम अपने पुराने बिंदुओं पर भी चर्चा करें तो हमने सबसे पहले जैसा कि बच्चे सिक्स में जानते हैं उन वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल बड़ी भली बनती जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और उसी से ही हमने बच्चों को पैरेलोग्राम का एरिया बताया था कि वो बेस इन हाइट होता है उसके बाद हमने हम बच्चों को बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हम एक पेरेलोग्राम को दो बराबर भागों में बीच में से एक विकर्ण खींचकर हम प्राप्त करते हैं तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक पेरेलोग्राम के क्षेत्रफल का आधा और हमने साथ ही ये भी सीखा था कि जो भी हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उन सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का कॉन्गुर ट्रैंगल्स का एरिया हमेशा बराबर होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है वो त्रिभुज सर्वांगसम भी हों और उसके बाद हमने ये जाना था पिछली कक्षा में कि जो पाई है वो एक रेशो है और वो रेशो होता है हर बारी एक हमारा जो भी वृत्त दिया हो उस वृत्त की परिधि और उसके साथ जो हम अनुपात लेते हैं उस वृत्त के व्यास का और हमने पाया था कि कितने सारे सर्कल्स हमने देखे जिनमें उनकी हमने व्यास देखा और परिधि देखी और परिधि को हमने नापा धागे से और हमने व्यास को नापा और उनका अनुपात निकाला तो हमने देखा कि हमें हर बार जो अनुपात मिला वो मिला बाईस बटा सात और यदि हम इसको दशमलव में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं थ्री पॉइंट वन फोर इसमें सी हमें जो है वो बताता है कि वो सरकमफ्रेंस है परिधि है और डी जो है वो डायमीटर है और हमने यह भी चर्चा की थी कि जो डायमीटर होता है व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है रेडियस से डबल होता है इसीलिए लिए ऑफ सर्कल का जो हमारा सूत्र बनता है फॉर्मूला बनता है वो होता है सी इज़ इक्वल टू पाई डी या मैं कह सकती हूँ सी इज़ इक्वल टू टू पाई आर और इसके बाद अब एक बच्चों से मैं गुजारिश करूंगी कि छोटी सी एक्टिविटी करके देखें कि उन्हें सर्कल ड्रॉ करना आता है चार सेंटीमीटर वो रेडियस लें और ग्राफ पेपर के ऊपर वो एक वृत्त बना सकते हैं और ग्राफ पेपर पर काम करने का सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उसमें उनको फुट्टे से चार सेंटीमीटर नापने की ज़रूरत नहीं है वो उसमें डायरेक्ट ही चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना सकते हैं और उसके बाद वो उससे हमें जो भी वृत्त के अंदर जितने भी हमें स्क्वेयर्स मिलेंगे उनको काउंट करके और दो आधे स्क्वेयर्स को एक बड़ा स्क्वेयर मानकर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और यदि मान लीजिए बड़ा वृत्त बनाएंगे तो आधे वृत्त को शेड कर दें और आधे वृत्त के यदि वो स्क्वेयर्स गिन लें ग्राफ पेपर में तो उन्हें पूरे वृत्त के भी स्क्वेयर्स का पता लग जाएगा इसी प्रकार इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें यदि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा तरीका भी है हमारे पास कि हम एक वृत्त बनाएं चाहे ग्राफ पेपर पर चाहे साधारण कागज पर और इसमें हम आ, लाइन्स ड्रॉ कर लें ये एक एक्टिविटी हम अभी करके भी देख सकते हैं बच्चों के साथ ठीक हमने ये एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त में हमने उसके बाद लाइन्स ड्रॉ कर दी छोटी छोटी लाइन्स ड्रॉ कर दी और इनमें हम चाहे तो और इन दो लाइनों के बीच में भी हम लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं ये इस वृत्त की त्रिज्या है जो लाल रंग से दिखाई दे रही है ये रेडियस है वृत्त की और ये जो है पूरे का पूरा इसका जो है सरकमफ्रेंस है जिसको हम सी से दिखाते हैं और ये जो पूरी सीधी रेखा है जिसपे डॉट्स लगाए गए हैं ये डायमीटर है या व्यास है यदि हम इस वृत्त को बीच में से कटिंग करें तो और हम इन जो हमें जो इसके टुकड़े मिल रहे हैं छोटे छोटे खंड मिल रहे हैं इनमें हम जो नीचे के आधे खंड हैं और ऊपर के जो आधे खंड हैं इनको एक के अंदर एक यदि हम डाल कर रखेंगे तो हमें मिलती है ये इस प्रकार की एक आकृति जिसे हम कह सकते हैं कि एक आयताकार आकृति हमें मिल जाती है लगभग जितने हम छोटे टुकड़े करेंगे उतना ज़्यादा हमें कर्व नहीं मिलेगा और सीधी रेखा मिलेगी तो हमें फिर से पुनः एक आयत मिल गया इसी तरह से हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज के केस में भी हमें एक आयत मिल गया था तो हमने उसको लंबाई और चौड़ाई गुणा की थी अब यहाँ भी क्योंकि मैंने अपने वृत्त को आधे से काटा था तो जो ये नीचे का आधा हिस्सा था वो मैंने उनको एक साथ सटा दिया और जो ऊपर के आधे हिस्सा था उसको उसके बीच में एक एक को सटा दिया तो मुझे फिर से एक बार एक आयताकार आकृति मिल गई और ये मुझे मालूम है जो इसमें लंबी वाली साइड है ये जो है मेरी जो परिधि थी वृत्त की उसकी आधी है क्योंकि आधी वृत्त की परिधि नीचे की तरफ है और आधी वृत्त की परिधि जो है वो ऊपर की तरफ है तो अर्थात इस आयताकार जो मेरे को आकृति मिली है इसकी लंबाई हो जाएगी परिधि का आधा यानी कि हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस और जिस त्रिज्या से मैंने इसको कट किया था वो थी हमारी रेडियस एक बार फिर से हम ये जान सकते हैं कि हमें जो उसका क्षेत्रफल है वो कैसे मिलेगा ये हम अभी आगे भी सीख पाएंगे कि जब हम इसकी परिधि को उससे गुणा करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होगा तो हमें एक बार एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फिर से लंबाई है हमारी हाफ ऑफ सर्कम यानी एक बटा दो गुणा दो पाईआर और गुणा में है रेडियस यानी कि त्रिज्या तो इस प्रकार एक बटा दो गुणा दो मिल मिल गया हमको एक तो हमें जो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिला वो मिला पाईआर स्क्वेयर इस प्रकार हम एरिया ऑफ सर्कल को हमें रटने की जरूरत नहीं है और हम बहुत अच्छे से एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात कर सकते हैं अब उसके बाद हम एक बार फिर से आकृति से एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की चेष्टा करते हैं कि हम अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बना लेंगे और ग्राफ पेपर पर हम कोशिश करेंगे इस वृत्त के अंदर जो हमारे पास स्क्वेयर्स आ रहे हैं ग्राफ पेपर के उनको हम काउंट करें और हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करें जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने एक वृत्त यहाँ पर दिखाया है इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमने देखी कि वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इस वृत्त के अंदर जितने भी ये वर्ग बन रहे थे मैंने इन पर काउंटिंग लिखने की कोशिश की है जितने भी पूरे वर्ग थे उन पर मैंने पेंसिल से काउंटिंग लिखी है एक दो तीन चार ऐसे करते करते जो हमारी काउंटिंग पहुंची है वो 28 मेरे को पूरे वर्ग मिले हैं उसके बाद जो आधे वर्ग हैं या थ्री फोर्थ वर्ग हैं या दो आधे मिलकर एक वर्ग बन रहे हैं तो मैंने उस काउंटिंग को रेड पेन से दिखाने की कोशिश की है जो हम देख सकते हैं इस प्रकार मैंने देखा कि मुझे थर्टी एट थर्टी नाइन पूरे वर्ग मिल गए और एक दो आधे वर्ग मिले उसके बाद तो लगभग उनतालीस या चालीस सेंटीमीटर स्क्वेयर मुझे इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है यदि मैं देखूं क्योंकि हमें एरिया की परिभाषा याद है कि एरिया हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को तो ये जो तल है इस तल पे ग्राफ पेपर पर जितने वर्ग बने हैं वो सभी एक वृत्त के अंदर जितने वर्ग आ रहे हैं वो वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान है इसीलिए वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है चलिए आइए अभी अभी हमने जो सूत्र सीखा है उसके द्वारा इसको हल करें तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्र हमें मालूम है कि जब हमने परिधि के बारे में पढ़ा या परिमाप के बारे में तो उसमें हम लंबाइयों की बात करते हैं तो उसकी यूनिट जो होती है वो एक मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर होती है किंतु जब हम एरिया की बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ दो यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं लंबाई और चौड़ाई इसलिए हमेशा ये हमें स्क्वेयर में यूनिट्स मिलती हैं जैसे यहाँ पर हमने देखा इस वाले वृत्त की त्रिज्या हमने ली थी 3.5 सेंटीमीटर तो हमें जो इसका एरिया मिलेगा 22 टू बाई सेवन इंटू थ्री पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वेयर बन गया और उसके बाद हमें मिला 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे काउंट करने से जो हमें एरिया मिला था लगभग उसके बराबर है तो इन दो तरीक़ों से हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं एक और हमारे पास छोटा सा तरीका हो सकता है कि हम बड़ा सर्कल है मान लें तो उसमें हमको डिब्बिया गिनने में दिक्कत आएगी बहुत बार लंबा गिनना पड़ेगा तो हम हाफ़ पोर्शन को शेडिड कर सकते हैं और हम हाफ़ पोर्शन को बिना शेडिड रखें डायमीटर जो है वो हाफ़ दो भागों में बांट देता है वृत्त को उसके बाद हम किसी भी एक जो हमारा अनशेडिड पार्ट है उसमें हम काउंट कर लें कितने वर्ग आ रहे हैं ग्राफ पर और उन वर्गों की संख्या को हम डबल कर देंगे तो हमें बहुत ही सहजता से पूरे के पूरे वृत्त का जो है क्षेत्रफल पता लग जाएगा so we are diving into the realms of shapes, measurements, and calculation that shape the world around us. और मैम आप इतनी खूबसूरती से हमें समझा रही हैं और जहाँ एक हमें कहीं ना कहीं जो वह होता है मैथ्स को लेकर तो अगर इतने प्यार से समझाया जाए तो कोई भी विषय आसान बन सकता है जी बिल्कुल तो, आइए अब हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी हैं वो प्रश्न तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे हमारी जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि हमें जी एक तो अभी आप जैसे कि मान व्रत हम हमें कर कोई कर हमें को, मान लीजिए त्रिज्या दी हुई है सात सेंटीमीटर और हमें उसी वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल याद करने के लिए हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्र तो हमें हमेशा हर प्रश्न में ये दिया हुआ होता है कि हमें उसमें पाई का मान 22 बटा सात रखना है या पाई का मान हमें 3.14 रखना है तो क्योंकि हमें यदि सात त्रिज्या दी है तो हमें उसका मान 22 बटा सात रखना होगा और हम यदि उसका मान रखेंगे तो 22 बटा सात गुणा सात सेंटीमीटर गुणा सात सेंटीमीटर और इस प्रकार हम जान पाएंगे कि हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और हम गुणा करके बड़ी आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं एक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें पा पाई का मान 3.14 रखना है तो जब हमें थ, पाई का मान 3.14 रखना है तो हमने पाई आर एरिया ऑफ सर्कल लिखा और उसके बाद हमने लिखा कि 3.14 पाई का मान और गुणा में 30 सेंटीमीटर का वर्ग इस प्रकार हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो मिलेगा हमें 2826 2.826 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें उसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ अब इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न में हमें डायमीटर दिया हुआ है 9.8 मीटर और हमें अब उसका क्षेत्रफल निकालना है जब हमें परिधि निकालनी होती है तो डायमीटर दिया हो या रेडियस दियो हमारे पास दोनों सूत्र हैं। लेकिन जब हमें एरिया निकालना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जब डायमीटर दिया हुआ है तो पहले हम उससे रेडियस निकालेंगे यानी डायमीटर का आधा तो नाइन पॉइंट एट का हाफ हमें मिल गया फोर पॉइंट नाइन मीटर और उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फोर पॉइंट नाइन मीटर का होल स्क्वायर और हम देखते हैं कि हमें एरिया मिलता है सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स मीटर स्क्वायर और ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर थ्री पॉइंट वन फोर बोल रही हूँ ना कि थ्री पॉइंट फोर्टीन ये बच्चे हमारे प्राइमरी में सीख चुके हैं कि दशमलव का जो स्थान है उसके बाद जो है हमें वो संख्याएँ जो मिल रही हैं वो वन टेंथ और वन हंड्रेड मिल रही हैं इसलिए हम इसको थ्री पॉइंट फोर्टीन नहीं पढ़ते हम इसको थ्री पॉइंट वन फोर पढ़ते हैं ऐसे ही ये है पचहत्तर दशमलव चार छः मीटर स्क्वेयर जिसमें हमें प्रश्न पूछा गया है जिस यूनिट में यदि सेंटीमीटर में प्रश्न पूछा है तो मैं उत्तर सेंटीमीटर में ही दूंगी मीटर में प्रश्न पूछा है तो उत्तर मीटर स्क्वेयर में ही आएगा यदि एरिया की बात हो रही है तो आगे एक और ये सवाल है थोड़ा सा और हायर लेवल पर बच्चे जब इसे सॉल्व करना सीख जाते हैं तो अब हमें एक साथ इसमें दो तीन बातें पूछी गई हैं हमें इस एक फिगर दी हुई है इस फिगर में हमें दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं एक बाहर की तरफ जो है वो बड़ा सर्कल है और जो अंदर की तरफ है वो छोटा सर्कल है और हमें इसमें पूछ रहे हैं कि बड़े वाले सर्कल का हमें क्षेत्रफल बताना है हमें त्रिज्या दी हुई है बड़े वाले सर्कल की हमें त्रिज्या दी है दस सेंटीमीटर रेडियस और छोटे वाले सर्कल की वृत्त की हमें त्रिज्या दी हुई है चार सेंटीमीटर तो बड़े वाले सर्कल के लिए हमने पहले सूत्र लगाया पाईआर स्क्वेयर थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर और हमें मालूम है दस दाम सौ होता है और हमारे पास थ्री पॉइंट वन फोर है तो ये दो दशमलव स्थान आगे बढ़ जाएगा और हमें मिलेगा तीन सौ चौदह सेंटीमीटर स्क्वेयर इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमको दी हुई थी चार सेंटीमीटर तो इसी प्रकार हमने सूत्र में आर के स्थान पर चार का मान रखा तो हमें मान मिला पचास दशमलव दो चार सेंटीमीटर स्क्वेयर इसके पश्चात अब हमें इन दोनों के बीच का जो एरिया है जो ब्लू कलर से दिखाया गया था अब उसका उसका एरिया निकालना है तो उसका एरिया निकालने के लिए हम बड़े वाले वृत्त के एरिया में से छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे तो तीन सौ चौदह में से हम पचास दशमलव दो चार को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा दो सौ तिरसठ दशमलव सात छः सेंटीमीटर स्क्वेयर जो कि हमारे बचे हुए जो बीच का जो एरिया था उस वर, उसका ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है इस तरह से तो आगे मैं चाहूँगी कि बच्चे हमारे ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें हमको एरिया और सर्कल फाइंड आउट करना है जबकि हमको रेडियस दी हुई है चौदह मिलीमीटर mm रेडियस है और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है तो इस बात का बच्चे विशेष ध्यान रखें कि मिलीमीटर में प्रश्न पूछा गया है तो जो मुझे उत्तर मिलेगा वो मिलीमीटर स्क्वेयर में या वर्ग मिलीमीटर में उत्तर मिलेगा दूसरे प्रश्न में पूछा गया है डायमीटर 49 मीटर है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा अब क्योंकि 49 मीटर डायमीटर है तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं पाई आर स्क्वायर में आर के बदले भी वो 49 नाइन इंटू फोर्टी ही लिख देते हैं जबकि हमको पहले डायमीटर को आधा करना है 49 नाइन अपॉइंट टू करके हम इसका पहले हाफ निकालेंगे जो कि आएगा हमारा 24.5 फोर वो हमारी रेडियस होगी वही त्रिज्या होगी फिर उस त्रिज्या को हम दो बार गुणा करेंगे पाई के मान के साथ और फिर हमको एरिया मिलेगा हमारे वृत्त का, और यहाँ इन तीनों प्रश्नों में ही हमें पाई का मान जो है वो बाईस बटा साथ रखना है जिससे कि बच्चों को आसानी हो और वो सहजता से ही इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाए और उन्हें कोई दिक्कत ना आए यदि 3.14 मान रखेंगे तो उसमें बच्चों को गलती लग सकती है उसमें कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाएंगी उत्तर सेम आएगा लेकिन उसमें बच्चों को समय बहुत ज्यादा व्यर्थ होगा उनका जी जी मैम और साथ ही मैम अभी हमने जैसे बात की जो आज का हमारा विषय है पैरामीटर एंड एरिया पार्ट फोर और हमने जाना कि किस तरीके से एरिया ऑफ़ सर्कल को आप निकाल सकते हैं तो मैम क्या आप हमें कुछ की एलिमेंट्स जिसके बताना चाहेंगी जो बच्चे याद रखें कि जब भी वो एरिया ऑफ़ सर्कल इस टॉपिक से डील कर रहे हैं तो उनको क्या क्या याद रखना चाहिए जी मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें यूनिट कौन सी दी गई है और जो हमें मिला है वो हमें रेडियस दी हुई है प्रश्न में या प्रश्न में हमको व्यास दिया हुआ है और इसको हम इनमें प्रश्न जो है वो अलग रूप में भी आ सकते हैं मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आ, 500 है सेंटीमीटर uh, स्क्वेयर और हमें क्षेत्रफल मिला हुआ है और उस क्षेत्रफल से हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हम ऐसे केसेस में क्षेत्रफल लिखेंगे और उसके सामने हम लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर और फिर पाई का मान रखने के बाद हमें जो है आर स्क्वेयर का मान मिलेगा और फिर हम उसके द्वारा ही वर्गमूल के द्वारा आर का मान ज्ञात करके त्रिज्या निकाल सकते हैं या उनके हम गुणनखंड करके त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं प्रश्नों में थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक सो नाइसली और बहुत ही अच्छे से समझ में आया और अब अब आपसे हमें इजाज़त लेनी होगी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और साथ ही आपको बता दें कि अभी आप हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशन में जुड़ेंगे और जिसका विषय रहेगा ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट और आप इसको सुनेंगे और साथ ही ये जो विषय है वो है क्लास एट्थ का और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हमारी एन सी आर टी दो की जो बुक्स हैं टेक्स्ट बुक्स वो अवेलेबल है आप हमारे ऑथराइज जो वेंडर्स हैं आप उनसे इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं न्यू डेली कोलकाता और अहमदाबाद बेंगलुरु और गुवाहाटी और साथ ही अगर आप इन बुक्स का ऑनलाइन जो पी वर्जन है सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ईट पाठशाला और साथ ही आप हमारे दीक्षा और एन की वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं इन वेंडर्स से रिलेटेड तो आप एन इस वेबसाइट पर जाके लॉग इन कर सकते हैं आपसे थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी आप जुड़ रही है हमारे साथ नमस्कार